नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई होम प्लान में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक रेसिडेंशियल हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका साइज रखा है हमने विड्थ में 74 फीट और लेंथ में रखा है फ्रेंड्स 50 फीट, जो कि विलेज लेवल का प्लान है। और यह प्लान जो हमने बनाया है मिस्टर विपिन जी के लिए बनाया है, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जिस घर का आप एलिवेशन देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से एलिवेशन को तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्लान में हमने डिजाइन किया है 2 कार पार्किंग एरिया, 1 बरामदा एरिया, 2 गेस्ट रूम, 8 इसमें हमने बेडरूम को तैयार किया है, 2 किचन, 2 स्टेयर और 1 बड़ा सा हमने हॉल का डिजाइन किया है। फ्रेंड्स, और इस प्लान में बाथरूम का जो प्लान था वो बाहर का था, इसीलिए हमने इसमें बाथरूम का डिजाइन नहीं किया है। इस प्लान का आप लोग चारों साइड का व्यू देख सकते हैं। अगर माई होम प्लान चैनल का वीडियो आप लोग को बढ़िया लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, जो कि घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, ताकि उनको कुछ आइडिया मिले घर के डिजाइन के बारे में। अगर आप लोग भी कोई प्रोजेक्ट हमसे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर बात करें, वहाँ पर आपको सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप टॉप व्यू में भी देख सकते हैं जो आपका रूफ एरिया है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्पेस है। इस प्लान में जो हमने कार पार्किंग एरिया बनाया दोनों साइड में, तो वहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, जिससे कि आप अपना कार पार्किंग करके उसके बाद बाइक भी पार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और फ्रंट में ही हमने स्टेयर का डिज़ाइन किया है, ताकि आप इसके ज़रिए बरामदा एरिया में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बरामदा एरिया है हमारा, तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड में गेट दिया है, जो कि गेस्ट रूम के लिए है। आप बरामदा से ही गेस्ट रूम में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट गेस्ट रूम है, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सोफ़ा का हमने एडजस्टमेंट किया है और टीवी पैनल भी लगाया है। फ्रेंड्स, आप कुछ इस टाइप से डिज़ाइन करेंगे।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड गेस्ट रूम है जो कि काफ़ी स्पेसियस है और इस प्लान में आपको वेंटिलेशन का कहीं भी कमी नहीं होगा क्योंकि हमने इस प्लान में प्रॉपर विंडो का एडजस्टमेंट किया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग मेन गेट के ज़रिए चलते हैं घर के अंदर, तो आप पहुंचेंगे गैलरी एरिया में। तो गैलरी एरिया का भी काफ़ी बढ़िया यहां पे स्पेस है। इसके आगे जैसे ही आते हैं तो आप पहुंचेंगे बड़ा सा हॉल एरिया में, जो कि आप देख सकते हैं ये सब आपका बेडरूम है और हॉल के दोनों तरफ हमने स्टेयर का डिज़ाइन किया है और बेडरूम का भी डिज़ाइन किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट किचन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से इसको एडजस्टमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा सेकेंड गेस्ट रूम है तो उसका भी डोर हमने हॉल में भी फिट किया है ताकि आप गेस्ट रूम के ज़रिए आप हॉल में भी इंटर हो सकते हैं और दोनों गेस्ट रूम में सेम डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है जो कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से एडजस्टमेंट को किया गया है इसका। फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सेकेंड बेडरूम में जो कि स्टेयर के जस्ट बगल में आपका सेकेंड बेडरूम है। इसका भी व्यू आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से एडजस्टमेंट किया गया है। ये आपका थर्ड बेडरूम है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका फोर्थ नंबर बेडरूम है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका फिफ्थ बेडरूम है। ये आपका नंबर सिक्स बेडरूम है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग को भी कोई कस्टमाइज प्रोजेक्ट हमसे बनवाना है तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। और आप इस हॉल एरिया में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल एरिया है और यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेशियस जगह मिलने वाला है फ्रेंड्स इस प्लान में। ये आपका 7 नंबर बेडरूम है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमने फर्स्ट गेस्ट रूम में जो गेट का एडजस्टमेंट किया है वो हॉल एरिया में भी है, ताकि आप हॉल से भी गेस्ट रूम में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका सेकेंड नंबर किचन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से इसका भी एडजस्टमेंट किया गया है। ये आपका नंबर 8 बेडरूम है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिलेगा इस बेडरूम में भी। फ्रेंड्स, इस प्लान में हमने स्टेयरकेस के नीचे एक गेट का एडजस्टमेंट किया है, जो कि बाहर जाने का रास्ता है। हम लोग चलते हैं स्टेयरकेस के जरिए रूफ एरिया में, जो कि आप वहां पर भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको स्पेस मिलेगा। और स्टेयरकेस में हमने स्टेनलेस स्टील का यूज किया है, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। और इसमें जो हमने मटेरियल यूज किया है तो मार्बल का यूज किया है। मैं आशा करता हूँ कि जो हमने इस प्लान को डिजाइन किया है, यह डिजाइन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग भी कोई कस्टमाइज प्रोजेक्ट हमसे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोग का। आपका दिन शुभ हो।